अच्छा, पी डब्ल्यू ए क्या चीज़ होती है पहले तो ये गौर से समझ लो। पी डब्ल्यू ए ये होता है कि अच्छा, हम ना इस प्लेन जावा स्क्रिप्ट की ऐप है ना हमारी, फ़िलहाल ये हमारी जो ये ऐप है ये प्लेन जावा स्क्रिप्ट की ऐप है, ये रिएक्ट की ऐप नहीं है, ठीक है। तो हम ये प्लेन जावा स्क्रिप्ट की ऐप को हम पी डब्ल्यू ए बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पी डब्ल्यू ए क्या होता है कि आपकी जब ये वेब एप्लीकेशन खुलती है ना इधर ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे ना छोटा सा एक इंस्टॉल का बटन आ रहा होता है, ठीक है। और आपके पास कुछ ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि अगर आपका इंटरनेट बंद भी हो जाता है तो आप रिफ़्रेश करते हैं ना तो पेज लोड हो जाता है। ज़ाहिर है फिर नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं लगती लेकिन पेज लोड हो जाता है, ठीक है। आपका पेज कैशे हो जाता है, आपकी वेबसाइट फास्टर लोड होती है, ठीक है, जब सेकेंड टाइम में फास्ट लोड होती है। अच्छा, इंस्टॉल का बटन जब आप दबाते हैं ना इंस्टॉल करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ऐप है वो एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है आपके कंप्यूटर में, और उसका बाकायदा आइकन बना हुआ आ जाता है। जैसे यहाँ पे अब बहुत सारी ऐप्स का ना ये जिस तरह आइकन्स बने हुए आ रहे हैं सारी ऐप्स के ना, कि भाई ये ओपेरा इंस्टॉल हुआ हुआ है और ये एडोब एक्सडी है, इसमें एक बाई दफ़े हुआ हुआ होगा इंस्टॉल ना मेरे पास। ब्राउज़र पे नहीं, अपना विंडो खुलेगा उसका। एक यहाँ पे मैंने ऐप इंस्टॉल की थी रिसेंटली, मैं पढ़ा रहा था ना कहीं, तो वो मैंने बना के यहाँ पे लगाई थी, शायद मैंने पता नहीं डिलीट कर दी। वेल, तो इस तरह से ही आ रहा होगा। अच्छा, जैसे हॉप स्कॉच मेरे पास एक ऐप इंस्टॉल है, तो ये हॉप स्कॉच असल में जो है वो ये एक पी डब्ल्यू ए है, सही है। हॉप स्कॉच जो है पोस्टमैन की तरह होता है, पोस्टमैन सब लोगों ने यहाँ यूज़ किया हुआ होगा, सही है। पोस्टमैन क्या होता है, हम ए पी आई की टेस्टिंग का टूल होता है पोस्टमैन, तो ये हॉप स्कॉच जो है ये पी डब्ल्यू ए है एक्चुअली। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ ना, तो देखो ये किस तरह ओपन होता है, ये ऐसे ओपन होता है। अच्छा, कोने में यहाँ पे इसका यू आर एल लिखा हुआ रहा है कि ये हॉप स्कॉच डॉट आई ओ है ये, ठीक है। और मतलब ये बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें उसी तरह काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये एक वेब एप्लीकेशन है, सही है। ये बात आपको याद रहे कि ये क्या है, एक ये वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसमें ये सारा सर्च वर्च के बटन्स हैं सारे, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो मेरे पास ना कुछ गूगल क्रोम के भी ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये एक वेब एप्लीकेशन है और एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसको चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। इसमें से आप चीज़ें ना सेव भी कर सकते हैं अपने पास। अगर मैं यहाँ पे सेव का बटन दबाऊंगा ना, तो देखो ये सेव का बटन आ रहा होता है, सारी चीज़ें आ रही होती हैं यहाँ पे। तो कुछ ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। वेल, हम इतना इसको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम बस ये पढ़ेंगे कि इंस्टॉल कैसे हो जाती है, तो उसमें ही असल में काफ़ी चीज़ें। अच्छा, नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आ जाता है आपके पास। वंस कोई भी आप ऐप खोलते हैं तो समटाइम आपने देखा होगा अलाउ नोटिफिकेशन का बटन आता है, वो पी डब्ल्यू ए का फीचर है एक, ठीक है। तो हम वो नोटिफिकेशन वाला फीचर फ़िलहाल नहीं डिस्कवर करेंगे, वो बहुत लेकिन आसान सा है, आप बहुत खुद से उसको ना ईजिली सीख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ हमने ये देख ली कि भाई डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो जाता है, इसी तरह अगर आप किसी मोबाइल के ब्राउज़र पे उस वेबसाइट को खोलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इंस्टॉल का जो है ना बटन नज़र आ रहा होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो एज अ मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा फ़ायदा, अच्छा, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे आई ओ एस हो, या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, ब्लैकबेरी वगैरह जो पुराने ओ एस है ना, जो इनकी अपडेट भी नहीं आती है, उन पर भी वो काम करता है, सही है। विंडोज़ फ़ोन पर भी इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि एक एप्लीकेशन होती है आपकी जो वेब में भी चलती है, डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल हो रही है, मोबाइल के ब्राउज़र में भी चल रही है, और मोबाइल में इंस्टॉल भी हो रही है, तो कितने सारे प्लेटफॉर्म कवर हो गए हमारे, सही है। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप उस ऐप को एज अ मोबाइल ऐप स्टोर में पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ये एक चलती हुई वेब एप्लीकेशन है, ये मोबाइल पर ऐसी दिखने वाली है, सही है, मोबाइल पर ये कुछ इस तरह की दिखने वाली है। तो आप चाहते हैं अगर इसका ए पी के फाइल बन जाए और वो मैं स्टोर में पब्लिश कर दूँ, प्ले स्टोर जो है एंड्रॉयड का, उसमें पब्लिश कर दूँ, तो वो भी हो जाता है। और अगर मैं चाहूँ कि वो उसको मैं आईफोन के ऐप स्टोर पे पब्लिश कर दूँ, तो वो आई पी ए फाइल होती है उसकी, वो भी बना के दे देता है वो स्टोर पे पब्लिश करने के लिए, सही है। तो कुछ ऐप्स आपके पास ऐसी आ सकती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में ना कोई नेटिव कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो, जैसे मोबाइल ऐप जो होती है ना, बैंक्स की मोबाइल ऐप होती है, उसमें कोई ऐसा नेटिव कैपेबिलिटी तो नहीं चाहिए होती कि भाई बटन दबाएंगे उस ऐप में तो टॉर्च ऑन होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता उसमें। उसमें यही फॉर्म्स होते हैं, सबमिट होता है, लॉगिन साइन अप, यही सब हो रहा होता है उसमें, बैंक की ऐप में अंदर फॉर्म्स होते हैं, ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, सब एक वेब एप्लीकेशन में जो काम पॉसिबल है वही होता है उसमें। तो इस तरह की कोई ऐप अगर है ना, कोई इवेंट प्लानर है, कोई टू डू वगैरह की ऐप है, तो वो आप अगर उसकी रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करेंगे और आपको लगता है कि यार ये तो वेब एप्लीकेशन में ये सब पॉसिबल है,
तो आप उसकी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और साथ साथ उसको PWA के जरिए मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करके स्टोर पे भी पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें कवर हो जाती हैं हमारी। इसमें आपके पास ना कैमरे का एक्सेस, तो जो ब्राउज़र के अंदर एक कैमरे का एक्सेस होता है, पता है ना आपको, ब्राउज़र कैमरा एक्सेस कर सकता है, जैसे गूगल मीट में आपने देखा होगा, तो वो वाले एक्सेस सारे इसमें भी हैं आपके पास, सही है। तो ब्राउज़र, अब असल में आज से 5 साल पहले जो ब्राउज़र ऐसा नहीं था जैसा आज है, ब्राउज़र के पास फाइल का एक्सेस भी अब डायरेक्ट होने जा रहा है, ठीक है, नए वाले में उन्होंने कर दिया ये। तो जो जो चीज़ें एक तो ब्राउज़र को होती है ना, आपको मतलब शायद आपको बिलीव नहीं होगा कि ब्राउज़र को क्या क्या चीज़ों का अभी हो गया है एक्सेस। पहले ब्राउज़र को ना फाइल वगैरह का तो पता ही नहीं था, तो अभी फाइल का पता चल गया है। अभी ये जो आपका VS कोड है ना, इसका एक वेब वर्जन है। अभी ये रिसेंटली कहीं पर मैं देख रहा था कि ब्राउज़र को टर्मिनल का भी एक्सेस मिलने वाला है। जी अभी भेज देता हूँ, तो टर्मिनल का एक्सेस मिल जाएगा ब्राउज़र को। तो आप इमेजिन करें पूरा VS कोड ऑनलाइन वेब पे चल रहा होगा, आप लिखेंगे vscode.dev और वो वहीं पे सारा काम कर रहा होगा, ठीक है। और भी लेवरेज होता है कि GitHub से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, आप इधर कंट्रोल एस दबाते हैं कमिट खुद ही हो जाता है, पुश करना नहीं पड़ता, खुद ही कमिट पुश हो जाता है। तो वेल, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना जो आपको लगता है कि नेटिव कैपेबिलिटी है, लेकिन वो ब्राउज़र को भी उसका एक्सेस होता है, सही है। तो ये हो गया। अच्छा, नेटिव कैपेबिलिटी कौन सी वाली इसमें नहीं हो सकेगी वो भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर लॉग इन विथ फेसबुक दबाया आपने, तो मोबाइल ऐप में समटाइम होता है फेसबुक की ऐप इंस्टॉल होती है ना, तो वो ऐप खुलती है, तो वो इसमें शायद अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर वो आ जाए वो वाला भी। तो PWA में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह जो 3D गेम्स वगैरह होते हैं वो भी वेब में आपको पता है चलते हैं, तो उस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी PWA में चलेगी ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन जैसे जैसे OpenGL का इंटरफेस है, एक OpenGL की API है, ठीक है। OpenGL क्या होता है कि ब्राउज़र डायरेक्ट आपके ग्राफिक कार्ड को एक्सेस करता है और डायरेक्ट आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर वो ग्राफिक्स को रन करता है, ठीक है। तो एक OpenGL है, WebGL है, अलग अलग इसके इंटरफेसेस हैं, तो उसका भी एक्सेस वेब को है ऑब्वियसली, तो उस तरह के गेम भी इस पे चलेंगे। तो अच्छा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कोई नेटिव काम करें आप, जैसे कस्टम 3D कुछ बनाएं, जैसे भी आईफोन में एक AR करके चीज़ है, तो वो इसमें ज़ाहिर है रन नहीं होगी AR, लेकिन शायद वो भी हो जाए क्योंकि ये चलता है सफारी पर, सफारी में तो AR का एक्सेस है। अब वेल, अब ये कहना मुश्किल है कि क्या चीज़ ऐसी है जिसका इसके पास एक्सेस नहीं है, ये कहना मुश्किल है। शायद रिंग टून वगैरह बज रही होती है जो वो, हाँ, सर्विस वर्कर इसमें नहीं होगा ऑब्वियसली। एंड्रॉयड के ऐप्स में क्या होता है कि जब ऐप आपकी बंद भी हो जाती है, हटा देते हैं आप, क्लोज़ कर देते हैं, तो पीछे एक सर्विस वर्कर होता है जो चल सकता है, उसमें आप कुछ स्कैजुअल कर दें तो हर 5 मिनट बाद चलेगा, वो चीज़ इसमें नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो या मे बी उसको भी करने का कोई तरीका आ गया हो, क्योंकि गूगल ना पूरी जान लगा रहा है अपनी इस पर PWA पे, क्योंकि गूगल को पता है कि अगर PWA, गूगल क्रोम सबसे आगे है PWA में, सही है। तो गूगल को पता है कि भाई मोबाइल ऐप्स से बहुत ज़्यादा पावरफुल है PWA, इसको काफ़ी अरसे तक इन्होंने दबा के भी रखा था, खुद गूगल ने और एप्पल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने, इन तीनों ने इसको दबा के रखा था, सपोर्ट नहीं देना चाह रहे थे ये लोग। उसका भी रीज़न यही था कि एंड्रॉयड वालों को लगता था कि अगर PWA पे सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई तो ऐप स्टोर में कौन ऐप बना के पब्लिश करेगा, ठीक है। अच्छा, ऐप स्टोर में अगर ऐप बना के पब्लिश नहीं होगी तो ऐप स्टोर तो खाली रहेगा। अच्छा, फिर वो PWA क्योंकि आईफोन में भी चल जाता है और दूसरे में भी चल जाता है, तो फिर ये मैटर नहीं करेगा कि आप, आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड है, ये मैटर नहीं करेगा फिर। तो एंड्रॉयड को लगता था कि ये प्ले स्टोर में ज़्यादा ऐप होना हमारा सेलिंग पॉइंट है, तो इसलिए वो इसको सपोर्ट नहीं देते थे और कहते थे भाई वो करो। अच्छा, एप्पल वालों के पास एक एक्सक्यूज़ था कि यार हम जो है ना अपने यूज़र को, क्योंकि हमारा यूज़र ना ले मैन है, एक आम शहरी है, एक पैसे वाला मतलब बाबू है, तो उसको पता नहीं होता कि क्या थ्रेट है क्या नहीं है, तो हम अपने ऐप स्टोर पे ना एक एक ऐप को रिव्यू करके पब्लिश करते हैं, तो हम सिक्योर रखते हैं उसको कि उधर से कोई मतलब बिला वजह में ऐसी ऐप ना आ जाए जिससे आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो आईफोन को लेके। तो वो इस चीज़ को करके जो है वो करते थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि हमारा जो ऐप स्टोर है आईफोन का वो हमारा सेलिंग पॉइंट है, कि भाई ऐप स्टोर में जो ऐप है वो सिर्फ आईफोन पे ही चलती है, एंड्रॉयड पे नहीं चला सकते आप ऐप स्टोर की कोई भी ऐप,
हाँ वो अलग बात है कि व्हाट्सएप ने तीनों पे अलग अलग बना के पब्लिश किया, वो दो तीनों पे चलता है, तो इनको भी कहीं ना कहीं लगता था सेलिंग पॉइंट है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले जो थे उनको डर था कि हमारी विंडोज़ कौन यूज़ करेगा, क्योंकि विंडोज़ की जो नेटिव ऐप है ना उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऐप्स बनी है ना वो विंडोज़ नेटिव के लिए बनी है, और उस पर माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा भी बहुत लगाया है इसको अचीव करने के लिए। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ को पैसे खिलाएं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट पढ़ाएं। भाई यूनिवर्सिटी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो पढ़ानी है ना, सही है। अब वो C++ पे भी पढ़ा सकते हैं, जावा पे भी पढ़ा सकते हैं, C# पे भी पढ़ा सकते हैं, और पाइथन वाइथन पे भी किसी पे पढ़ा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि भाई आपके लिए तो एक ही बात है, आप किसी पे भी पढ़ा दो, आप पढ़ाओ C# पे क्योंकि वो हमारी, आप पढ़ाओ .NET क्योंकि हमारा है। पैसे दिए, इवेंट्स करवाए, अपने MVPs भेजे पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने, तो बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया है। यही वजह है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपको इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो सब क्या पढ़ा रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स पढ़ा रही हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो छोटे छोटे गलियों में जो कोर्सेज होते थे वो इसी वजह से होते थे क्योंकि इनके MVPs होते थे जिनको ये लाखों रुपए भेजते थे, लाखों रुपए नहीं हज़ारों डॉलर, जो उस वक्त तो शायद लाखों ही बनते थे, अब तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उस वक्त जो है ना हज़ारों डॉलर भेजते थे, मतलब 20,000 डॉलर साल के भेजते थे कि भाई आपने पूरे साल क्या करनी है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपेन्स करनी है, ठीक है। तो अब जाहिर है जब एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपेन होगी ना कि भाई कराची में किसी बड़े ऑडिटोरियम में माइक्रोसॉफ्ट की कंपेन हुई है, उन्होंने फजाइल बताया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इतना अच्छा है, ये वो है, और था भी, ऐसा नहीं है कि वो मतलब था नहीं, बहुत कैपेबल था, अभी भी है। तो वो जब बताते थे तो लोगों को लगता था यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पता नहीं क्या बला है, तो जितने भी बिजनेसेस हैं लोकल बिजनेस वो कोशिश करते थे हम उस पर मूव कर जाएं, और जब उस पर मूव करते थे तो हर बच्चे को फिर रिक्वायर्ड होता था कि वो भी सीखे माइक्रोसॉफ्ट। तो इस तरह वो गली गली में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाने लग गए थे 300-300 रुपये में, समझ रहे हो। तो ये इस तरह करके उन्होंने एक इकोसिस्टम बिल्ड किया हुआ था, पैसे लगाए हुए थे, और क्योंकि अच्छा विंडोज़ बचपन से हम विंडोज़ क्यों यूज़ करते हैं, फ्री है, ठीक है। हमें लगता है कि हमने क्रैक कर लिया, हमने को बहुत बड़ा तीर मार लिया कि भाई हमने विंडोज़ को क्रैक करके इंस्टॉल कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये खुद अलाउ किया हुआ है, हमें माइक्रोसॉफ्ट खुद चाहता है कि वो क्रैक वर्जन उसका चले पूरी दुनिया में, और यही वजह है कि आप देखें स्कूल्स में सब जगह या जो भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इतना तवज्जो नहीं है कि यार मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चल रहा है डजेंट मैटर, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि वो उन्होंने ये प्लान किया हुआ था। अब एक बच्चा बचपन से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जब चलाएगा तो उसका एक्सपर्ट होगा, भाई विंडोज़ सीखना पड़ा किसी को, अभी लिनक्स चलाओ ना सीखना पड़ेगा क्योंकि वो डिफरेंट है। अगर बचपन से लिनक्स चलाते तो वो नहीं फील होता, वो सेम लगता। हालांकि लिनक्स बहुत सारे लोग जो बचपन से चलाते हैं ना वो लिनक्स बहुत अच्छा है उनके लिए, बहुत आसान है और बहुत मेक सेंस है उसमें चीज़ें, इसमें हर चीज़ क्लिक क्लिक पे होती है, बहुत ही मतलब वाहियात है कि हर चीज़ क्लिक पे होती है इसके अंदर, ठीक है। तो कमांड पे बहुत बेहतर है, चीज़ें मेक सेंस हैं और चीज़ें समझ आती हैं कि हो कैसे रही हैं, और बहुत एफिशिएंट है बनिस्बत आपके जो है ना विंडोज़ में जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ। तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट को कहीं ना कहीं लगता था कि भाई अगर ऐसी एप्लीकेशन बन गई जो लिनक्स पे भी खुलेगी तो उस पे भी इंस्टॉल हो जाएगी, और विंडोज़ पे खुलेगी तो उस पे भी इंस्टॉल हो जाएगी, तो फिर विंडोज़ का सेलिंग पॉइंट क्या होगा। विंडोज़ का सेलिंग पॉइंट हमेशा से ये इन्होंने बताया है कि हमारे पास ना बिलियंस पत्नी ऐप्स हैं, रियल ऐप। अभी यहाँ तक कि अभी जो इसका M1 निकला था ना, जब एप्पल का M1 निकला था, तो आप YouTube पे जाके लिखेंगे ना कि Apple M1 वर्सेस विंडोज़ X86, तो वो उस तक उन्होंने बोला है कि भाई दो बंदे खड़े होते हैं ऐड में, एक कहता है कि यार हाँ भाई तुम्हारे पास क्या है, वो कहता है भाई मेरे पास फास्टर प्रोसेसर है, दुनिया का सबसे फास्टर प्रोसेसर M1, हालांकि वो भी किसी हद तक मतलब सही साबित नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, नॉर्मली है, सही है। हाँ मतलब 11th जनरेशन तक जो होता है विंडोज़ में जितना उतनी स्पीड है, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लेजिंग फास्ट नहीं है जिस तरह क्लेम किया था उन्होंने, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में। वेल दूसरा कहता है भाई मेरे पास ना मिलियन ऐप है, रियल ऐप है, विंडोज़ की ऐप है ना, VLC प्लेयर है, क्यूबिट टॉरेंट है, यू टॉरेंट है, पता नहीं कौन कौन से 1000 ऐप्स हैं, गूगल क्रोम है इस तरह। तो लेकिन VS कोड क्या है, ये नेटिव ऐप नहीं है विंडोज़ की, ये क्या है JavaScript पे बनी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन JS करके एक फ्रेमवर्क है, वो PWA नहीं है काइंड ऑफ, वो क्या करता है आप एक कोड लिखते हैं वो उसको बना देता है उसमें, लेकिन एक्चुअली अंदर भी वो वेब एप्लीकेशन खुली हुई होती है उसके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन JS भी काइंड ऑफ PWA वाली अप्रोच करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो PWA में नहीं होती उसमें हो जाती हैं और बहुत ईजिली हो जाती हैं उसमें, तो उस पर बना हुआ है ये। अब जितनी भी नई ऐप्स आ रही हैं वो काइंड ऑफ वो इलेक्ट्रॉन JS को प्रेफर करता है,
ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि गूगल क्रोम हो, गूगल क्रोम तो नेटिव है ज़ाहिर है क्योंकि इसको बहुत ही मतलब परफॉर्मेंस बहुत बेटर करती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि PWA एक्चुअल में होती क्या है। अभी हम इसको बनाना सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोग नमाज़ पढ़ के आ जाएं, फिर हम इसको बनाना सीखते हैं कि ये बनेगी कैसे।